दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं योयो एप्लीकेशन में वीआईपी कैसे लेते हैं और वीआईपी का क्या फायदा होता है और आपको क्या क्या ऑप्शन मिलेगा, क्या क्या आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो को सोच लेके अंत तक देखना तभी समझ को सोच लेके अंत तक देखना तभी समझ में आएगा। तो गाइस आपको सबसे पहले बता दो, वीआईपी लेने के लिए सबसे पहले तो यहाँ पे आपको बैग चलना है, ठीक है। मैं यहाँ से बैग चलता हूँ अपना योयो, अगर आपने ओपन नहीं किया तो ओपन कर लेना, ठीक है। यहाँ पे आना है, देखो नीचे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे सेटिंग खुलता है, यहाँ पे आ जाना। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे देखो ओपन में लिखा हुआ है वीआईपी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको वीआईपी कैसे लेना है मैं आपको सारा डिटेल्स बताऊंगा, इनका क्या फायदा है, ठीक है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसमें आपको क्या क्या ऑप्शन मिलेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। इस वीडियो को ध्यान से देखना तभी समझ में आएगा। और आपकी जो आईडी बैन हो जाती है तो उसको अनबैन कैसे करना है वो भी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे वीआईपी पे क्लिक कर लेता हूँ। वीआईपी पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए बहुत सारे लोग जानते नहीं है कि वीआईपी कैसे लेते हैं और वीआईपी लेने का क्या फायदा होता है और वीआईपी का रिचार्ज कैसे करते हैं, क्योंकि यहाँ पे रिचार्ज उनसे नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो कैसे करते हैं रिचार्ज वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पे देखिए जो वीआईपी यहाँ पे है 170 रुपये से स्टार्ट है, 170 रुपये में 1 मंथ है, 520 रुपये में 3 मंथ है, 1050 रुपये में 12 मंथ है, यानी पूरे 1 साल के लिए है। अगर आपको 170 वाला वीआईपी लेना है तो 170 पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि इस तरह से आपको यहाँ पे दिखाई दे देगा, यहाँ पे लिखा भी है 1 मंथ, ठीक है। और यहाँ पे देखिए आपका बैंक शो हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद नीचे देखिए लिखा है कंटिन्यू, यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या आ रहा है, देख लीजिए। तो यहाँ पे इस तरह से पेमेंट मेथड खुल गया है और यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो गूगल पे है उससे रिचार्ज नहीं होने वाला है, बैंक है उससे नहीं होने वाला है, पेटीएम है उससे नहीं होने वाला है। और मैंने यहाँ पे जो है देख सकते हो कि यहाँ पे लिखा है अवेलेबल फॉर सब्सक्रिप्शन, ठीक है। और यहाँ पे भी वही है और यहाँ पे अवेलेबल लिखा गया है। तो यहाँ पे आपका क्रेडिट कार्ड भी दिया गया है, क्रेडिट एंड डेबिट। तो यहाँ पे क्रेडिट डेबिट से अगर नहीं हो रहा है तो एक ही उपाय है, रिडीम कोड। अगर रिडीम कोड से आप रिचार्ज कर सकते हैं। आप सोचोगे रिडीम कोड मुझे कहाँ से निकालना है, तो चलिए मैं आपको वो भी बताता हूँ कि रिडीम कोड कहाँ से निकालना है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं चलता हूँ यहाँ पे पेटीएम में, ठीक है। अगर आपके पास पेटीएम है तो पेटीएम में आ जाना है। यहाँ पे सर्च दिख रहा है, यहाँ पे लिखना है गूगल प्ले, ठीक है। गूगल प्ले जैसे ही लिखेंगे तो यहाँ पे देखिए आ गया। चलिए मैं यहाँ पे एक बार क्लिक कर लेता हूँ गूगल प्ले रिडीम कोड पे, ठीक है। तो आप यहाँ पे टच कर लेना, आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे टच करने के बाद यहाँ पे अमाउंट मांगा जा रहा है, तो एक मैसेज आएगा जीमेल पे, नहीं तो फोन नंबर पे एक मैसेज आएगा, वो रहेगा रिडीम कोड, ठीक है। वो कोड किसी को नहीं देना है, ठीक है, याद रखना, आप किसी को वो कोड नहीं देना है। वो कोड आपको क्या करना है, यहाँ पे योयो में आना है और यहाँ पे रिडीम कोड लिखा हुआ है तो आपको यहाँ पे क्लिक करके आपको जो मैसेज में जो कोड आया ना वो कोड आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। जो भी कोड आया होगा वो कोड यहाँ हुआ है, इस पर एक बार क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे एक बार क्लिक करेंगे तो आपका जो है हो जाएगा सक्सेसफुल और आपका रिचार्ज हो जाएगा, 170 रुपये का रिचार्ज हो जाएगा। तो आप यहाँ पे जो है आप वीआईपी ले पाए। लास्ट एक ही उपाय है जो आप रिडीम कोड से यहाँ पे रिचार्ज कर सकते हैं। अब इनमें क्या क्या मुझे यहाँ पे देखने को मिलेगा, क्या क्या फायदा यहाँ पे मुझे मिलेगा अगर हम यहाँ पे सबसे कम वाला अगर रिचार्ज करते हैं 70 रुपये का, तो ठीक है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये खुल रहा है, मैं यहाँ पे खोलने देता हूँ और आपको मैं दिखाता हूँ, एक एक करके दिखाऊंगा कि यहाँ पे आपको क्या फायदा होने वाला है अगर आप मंथली वीआईपी लेते हैं। तो गाइस यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं जो आपको दिखाना चाहूंगा, यहाँ पे लिखा है ऊपर में योयो वीआईपी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप 1 मंथ वाला भी रिचार्ज करते हैं तो आपको इतना सारा फंक्शन मिलेगा। सबसे पहले आपको क्या मिलेगा यहाँ पे देख लीजिए, सबसे पहले तो आपको यहाँ पे वीएस करके मिलेगा जो कि आपको रूम पीके में, यानी आप किसी के साथ भी पीके लगा सकते हैं। तो गाइस आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे जो है आपको वीएस का ऑप्शन मिल जाएगा जो कि इस तरह से दिखाई देगा, ठीक है। और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा नीचे वीएस का, ठीक है। तो ये आपको जो मिल जाएगा, सेकंड में आते हैं और यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा है सेंड पिक्चर। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा गया है, अब यहाँ पे अगर वीआईपी लेते हैं तो वीआईपी लेने का मतलब ये होता है यहाँ पे आपको इतना सारा फंक्शन मिलेगा। फंक्शन मिलने के बाद यहाँ पे जो है आप जो है चैट रूम के नीचे एक आपको ऑप्शन मिलेगा फोटो सेंड करने का, यानी आप यहां से जहां पे आप बातें करते हैं टाइपिंग करते हैं उसके नीचे आप यहां पे अपना फोटो भी शेयर कर सकते हैं, अपना जो भी मनपसंद फोटो होता है वो आप शेयर कर सकते हैं। याद रहे कि आप कोई गलत फोटो ना शेयर करें, नहीं तो आपकी आईडी बैन हो सकती है। आप अच्छे से ध्यान से अपना जो है जो अच्छा फोटो होगा वही सेंड करना, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देख लिया, अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे देखिए आपको जो यहाँ पे है सेंड रूम, ठीक है। अब सेंड रूम मतलब यहाँ पे जो आपको बताना चाहूंगा ये है अलार्म। अलार्म मतलब आपको पता होगा कि यहाँ पे ये आपको बहुत अच्छा फीचर्स दिया गया है, जैसे कि आपने देखा होगा अदर एप्लीकेशन में, जैसे कि ओला पार्टी की बात करूँ तो ओला पार्टी में इनवाइट का ऑप्शन रहता है, लेकिन इस योयो में इनवाइट का ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ पे मैं कैसे बुलाऊंगा अपने फ्रेंड लोगों को, जैसे कि मान के चलो यहाँ पे पार्टी हो रहा है योयो में, ठीक है, तो मुझे यहाँ पे सभी फ्रेंडों को बुलाना है, तो कैसे बुलाना है, तो यहाँ पे आपको देखो एक बेल आइकन का निशान दे रहा होगा घंटी का, ठीक है। तो यहाँ पे घंटी पे जैसे क्लिक करोगे तो सभी के रूम जो जहाँ बैठा रहेगा अपने रूम में उसके सामने ये इस तरह से मैसेज यहाँ पे शो हो जाए। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे जो है जो आपका रूम का जो मेंबर होगा, ठीक है, जो मेंबर आपने फॉलो कर रखा होगा, आपको फॉलो बैक दे रखा होगा, उन सभी के पास ये जाएगा और वो मैसेज देखेगा और वो धड़क से आपके रूम में आ जाएगा, ठीक है। तो ये है आपका, ये भी यहाँ से फायदा भी है। अब यहाँ पे आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा गया है पोस्ट रूम एक्टिविटी, यानी आप यहाँ से जो है जो आपको देख रहे हैं यहाँ पे जो पोस्ट रूम एक्टिविटी जो है आपको आपको ये भी ऑप्शन मिलेगा जो कि यहाँ पे एक
कप की तरह है दिख रहा है जो कि वहाँ पे विन, ये भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन आगे आ गया जो कि इनमें आप जो है लिमिट कर सकते हैं अपने रूम का, जो कि आप जो है चाहे जितना भी बंदे हो यहाँ पे आप कर सकते हैं, जाके आपका लिमिट होगा तो लिमिट भी कर सकते हैं, यहाँ पे लिमिट बढ़ा सकते हैं या फिर घटा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा लिमिट का। ठीक है, तो ये लिमिट बहुत अच्छा है, तो यहाँ से भी ऑप्शन यानी यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छा। तो कैसे आपको बताना चाहूँगा, इसमें आपको जो योयो में जो है बहुत अच्छा फंक्शन दिया गया है, बहुत अच्छा फीचर्स इसमें दिया गया है। कैसे यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा गया है फैमिली टैग, अब यहाँ पे आप फैमिली का टैग लगा सकते हैं। ठीक है, फैमिली टैग यहाँ पे जो है आप डाल करके ओके करके आप फैमिली का टैग लगा सकते हैं, ताकि आपका जो जो भी फैमिली वो रैंकिंग पे आए, आपको सबको शो करे, रैंकिंग में शो करे। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे देखिए इमोजीज है कुछ, तो यहाँ पे जो वीआईपी इमोजीज होता है जो कि अभी जो बिना लेवल पे बिना वीआईपी पे नहीं मिलता है, तो यहाँ पे जो वीआईपी आप ले लेंगे तो आपको यहाँ पे इतना सारा आपको इमोजीज जो भी आपको यहाँ पे रहेगा वो मिलेगा। ठीक है, ये जितना इमोजी आप देख रहे हैं सब आपको यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए डायनामिक अवतार, जो कि यहाँ पे आपको बता दूँ जो आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो कि यहाँ पे आपको जो है जो कि आईडी नंबर भी कितना अच्छा दिख रहा है, और अवतार इस तरह से आपको दिखाई देगा, जो भी आपको बाहर से जो भी कोई देखेगा तो इस तरह से उसको, तो यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है आईडी देखने में, आईडी बहुत स्ट्रांग हो जाता है, देखने में भी थोड़ा अच्छा लगता है। अब यहाँ पे आते हैं वीआईपी टैग्स। ठीक है, वीआईपी टैग्स में क्या है, अब यहाँ पे देखिए वीआईपी के टैग्स में ये है कि आपके पास जितना वीआईपी होगा वो टैग आपके आईडी के आगे में लग जाएगा, जैसे आपका वीआईपी 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो वो आपके आगे में लग जाएगा। जैसे ओला पार्टी में मेरा वीआईपी 22 है, तो यहाँ पे मेरे नाम के आगे में वो शो हो जाता है 22, उसी तरह यहाँ पे भी आपको वीआईपी 1 करके शो हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी बहुत अच्छा फंक्शंस है जो कि यहाँ पे देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं निक नेम। निक नेम में आपको यहाँ पे क्या है ना, निक नेम में आपको कोई सा भी नाम डालोगे, ठीक है, नाम डालने के बाद आपको इस तरह से जो आपको दिख रहा है ना येल्लो कलर का, ये येल्लो कलर का जो है नाम हो जाएगा। जैसे कि आपको बताना चाहूँगा, जो नॉर्मली लोग होते हैं जो वीआईपी नहीं लेते हैं उनका नाम देखिए इस तरह से ब्लैक दिखाई देगा, देखिए इस तरह से ब्लैक दिखाई देगा, और जो वीआईपी लिया होगा उनका नाम इस तरह से दिखाई देगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए योयो टीम है, इस तरह से आपका नाम दिखाई देगा येलो कलर में। ठीक है, तो ये भी देखने में बहुत अच्छा लगता है, और आपका आगे में यहाँ पे वीआईपी 1 भी शो कर जाएगा। ठीक है, अगर आप वीआईपी 1 लेते हैं तो आईडी कैसे मेंटेन करते हैं वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, रूम मेंबर लिस्ट, यानी रूम में जो आप बहुत सारे बंदे लोग बैठे रहते हैं तो वहाँ पे क्या करता है ना कि पता नहीं चलता है कि कौन बंदा कहाँ बैठा है, कितने नंबर पे नीचे बैठा है। ठीक है, तो यहाँ पे उसको टेक ए सीट करने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। अगर आप यहाँ पे वीआईपी ले लेते हैं ना तो सबसे टॉप पे आप शो करेंगे। ठीक है, यहाँ पे जैसे आप वीआईपी लेंगे तो नीचे वाले बंदे नीचे ही शो करेंगे। ठीक है, जो नॉर्मली लोग होंगे जो वीआईपी नहीं लिए हैं वो नीचे ही शो करेंगे और आप सबसे ऊपर शो करेंगे, और जो उस रूम का जो मेंबर होगा, जो एडमिन होगा, वो आपको देखेगा कि भाई ये बंदा तो यार वीआईपी वाले हैं और ये काफ़ी देर से नीचे बैठे हैं, तो आपको तुरंत ऊपर लेंगे। क्योंकि यहाँ पे जो बताना चाहूँगा, रिस्पेक्ट तभी होता है जब आपके आईडी में वीआईपी होता है। ठीक है, नहीं तो आपको नीचे ही छोड़ देगा, ऊपर नहीं उठाएगा। अगर आपके पास वीआईपी है तो आपको तुरंत ऊपर उठाएगा और आपसे बातें भी करेगा। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे, अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे जो है आपको टूल्स दिया गया है, जो कि टूल्स में आपको यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, जो कि गाइस बताना चाहूँगा, यहाँ पे आपको फ्रेम मिल जाएगा वीआईपी का, और यहाँ पे आपको वीआईपी एंट्री मिल जाएगा, वो भी शेर वाली। तो माय गॉड बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे, ये अगर एंट्री मिल जाएगा तो बहुत अच्छा लगेगा देखने में। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे गिफ्ट में। ठीक है, तो आप जो है यहाँ पे जो वीआईपी गिफ्ट होता है ना, वो गिफ्ट आप यहाँ से सेंड कर सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपने वीआईपी नहीं कर रखा है, आप सोचते हैं कि मैं वीआईपी का गिफ्टिंग करूँ, तो वीआईपी गिफ्टिंग नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसके लिए आपको वीआईपी रिचार्ज करवाना पड़ेगा, तभी आप वीआईपी गिफ्टिंग कर सकते हैं। तो गाइस आप बात करते हैं मोर फॉलोवर्स की। अब यहाँ पे आप अगर वीआईपी लेते हैं तो वीआईपी में आपको इस तरह से डीपी दिखाई दे देगा और आपका फॉलोवर्स बढ़ेगा, यानी आपका जो फॉलोवर्स है वो इंक्रीज होगा, यानी आपका जितना आपको मान के चलो कि 1K है तो 2K हो जाएगा, 3K हो जाएगा, 1 month तक रहेगा, तो 1 month तक आपका जो है इसी तरह दिखाई देगा। ठीक है, ठीक है, अगर आप जो है 1 साल तक कराते हैं तो 1 साल तक ऐसे ही दिखाई देगा। और आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ से आपका फॉलोवर्स बहुत ज़्यादा बढ़े, क्योंकि न्यू यूजर्स जो भी आएंगे सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करेगा फॉलोवर्स पे, तो सबसे पहले आपका डीपी दिखाई देगा। ठीक है, तो आपको फॉलो करके वो आ सकता है। ठीक है, फॉलो करेगा तो फॉलो बढ़ेगा। तो गाइस अब बात करते हैं बबल्स की। तो बबल्स जो है यहाँ पे आपको वीआईपी 2 पे मिलेगा, अगर आप वीआईपी 2 का अगर रिचार्ज करवाते हैं, वीआईपी 2 लेते हैं, तो आपका जो है यहाँ पे बबल्स का भी ऑप्शन मिल जाएगा, यानी आप चैट रूम में यानी किसी के चैट रूम में जाओगे, नीचे से एक हाई का मैसेज करोगे तो सबसे पहले आपका मैसेज दिखाई देगा उनको, तो आपको यहाँ पे देखने में अच्छा लगेगा और देखेगा कि यार ये वीआईपी बंदा आया है। तो गाइस यहाँ पे देखेगा कि भाई वीआईपी बंदा आया है, तो आपको सबसे पहले ऊपर लेगा, क्योंकि यहाँ पे जो है आपने जो भी मैसेज करोगे तो इस तरह से यहाँ पे मैसेज दिखाई देगा। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं अवतार पे। अवतार पे आने के बाद यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको यहाँ पे अवतार भी मिलेगा। अवतार मतलब कोई होता है ना फ्रेम, तो फ्रेम कैसे मिलेगा और कैसे मिलेगा। अब यहाँ पे आते हैं पर्सनल कार्ड, जो कि यहाँ पे आपका जो भी आईडी है ना इस तरह कार्ड जैसे आपका आईडी बन जाएगा, देखने में बहुत अच्छा लगेगा, और आपका जो आईडी नंबर है वो भी चेंज हो जाएगा, यानी वीआईपी मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं डायरेक्ट कस्टमर सर्विस। ठीक है, तो डायरेक्ट कस्टमर सर्विस में जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, अगर आप वीआईपी करवाते हैं तो वीआईपी में क्या होता है, आपको डायरेक्ट कस्टमर सर्विस से बात कर सकते हैं, जैसे कि आपको कोई प्रॉब्लम्स हो गया तो आप डायरेक्ट कस्टमर सर्विस से बात कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा, और यहाँ पे आपको ऑप्शन में जाकर के आप मैसेज में जाकर चैटिंग कर सकते हैं, क्योंकि इतना देर आपका चैटिंग कोई भी नहीं करेगा,
मान के चलो कि आपका यहाँ पे देख सकते हो हेल्प सेंटर में जाते हो, वहाँ पे ईमेल करते हो, ईमेल करने के बाद आपका जवाब जो है आता है, कभी नहीं आता है। लेकिन आप वीआईपी लेते हैं तो यहाँ पे सर्विस में जाकर के मैसेज करके आप बात कर सकते हो, और मैसेज में जो बात करोगे तो यहाँ पे आपको दिखाई दे देगा, जैसे नीचे देख सकते हैं हाई का मैसेज आया है तो इसी तरह आपका दिखाई दे देगा, ठीक है। अब बात करें मेडल्स की, तो मेडल्स में आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे आपको जो भी वीआईपी होगा वो वीआईपी करके आपको मेडल्स मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेडल्स भी आपकी आईडी में शो करेगा और देखने में बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ पे आते हैं माउंट। माउंट में आपको क्या है ना कि यहाँ पे आपको जब एंट्री करोगे किसी के रूम में जाकर एंट्री करोगे तो एक नया सा लुक खुलेगा, और आपको देखने में यहाँ पे जब किसी रूम में जाओगे तो इस तरह से जो है आपको वीआईपी एंट्री की तरह यहाँ पे जाओगे तो इस तरह से दिखाई देगा, जो कि आपको बड़ा सा खुलता है, ठीक है। ये देखिए किस तरह लग रहा है देखने में, तो ये बहुत ही अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो इसी तरह जो है आपको लगेगा। और बात करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे फ्रेम वगैरह सारा कुछ है तो आपको फ्रेम वगैरह भी मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे बात करें आईडी अनबैन कराने की, यानी आपका जो है आईडी अगर बैन हो जाता है तो उसको अनबैन कराने का प्रोसेस भी यहाँ पे आपको दिया गया है। आपको जहाँ पे वीआईपी लेते हैं तो आपको ऑप्शन मिलेगा कि आप यहाँ से जो है अपना आईडी नंबर डालें, जिसका आईडी नंबर आप खुलवाना चाहते हैं, ठीक है। तो आप उसका आईडी नंबर यहाँ पे डाल दें, डालने के बाद नीचे सबमिट लिखा है तो सबमिट पे क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद यानी इसको जो है रिव्यू करेंगे, रिव्यू करने के बाद उसको चेक करेगा कि ये प्रॉब्लम थोड़ा मोड़ा प्रॉब्लम होगा, यानी नॉर्मल सी प्रॉब्लम होगा तो वो ओपन कर देगा, अगर इसमें कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम होगा तो उसको ओपन नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन बहुत अच्छा दिया गया है, जो कि अपना आईडी अनबैन करवा सकते हैं, ठीक है। तो अपना आईडी अनबैन करवा सकते हैं यहाँ पे मैसेज करके, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, अगर आप वीआईपी लेते हैं तो यहाँ से अपना आईडी अनबैन करवा सकते हैं, ठीक है। अब बात करें स्पेशल आईडी, जो कि आपको मैं दिखाना चाहूँगा। जब आप वीआईपी लेते हैं तो वीआईपी लेने के बाद जो है आपका आईडी नंबर एक बहुत अच्छा तरीका से बन जाएगा, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं 2, 2, 4, 6 अंक का बन जाता है, और आपका आईडी देखने में बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो है अपना आईडी नंबर दिखाई देगा और यहाँ पे आपका वीआईपी दिखाई देगा, तो बहुत अच्छा लगेगा। इस गिफ्ट का तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो कि आपका जो है प्राइवेट गिफ्ट होगा वो गिफ्ट यहाँ से आप प्राइवेट करके सेंड कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करें कस्टमर बैनर, यानी आप जब यहाँ पे वीआईपी लेंगे तो आपका जो है एक बैनर बना करके यहाँ पे एक बार शो करेगा, ठीक है। इस तरह आप देख सकते हैं यहाँ पे नीचे जो आपको दिख रहा है, यहाँ पे इस तरह शो करेगा और यहाँ पे देखने में अच्छा लगेगा, और यहाँ से आपको फॉलो भी कर सकता है। अब यहाँ पे आते हैं, और यहाँ पे आने के बाद कस्टमाइज गिफ्टिंग, कस्टमर गिफ्टिंग में आप यहाँ से कस्टमर गिफ्टिंग कर सकते हैं, जो कि देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, तो यहाँ से कर सकते हैं। तो वैसे यहाँ पे आपने देख लिया कि यहाँ पे वीआईपी लेने से क्या फायदा होता है, और अपना आईडी अगर अनबैन करवाना चाहते हैं तो यहाँ से आप वीआईपी करके अपना आईडी अनबैन करवा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे अनबैन करने का ऑप्शन आ गया है। अगर आप वीआईपी लेते हैं तो अपना आईडी अनबैन करवा सकते हैं, अगर आपकी आईडी बैन हो गया है तो यहाँ से सबमिट करके अपना आईडी अनबैन करवा सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें, चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर ऑल करते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, आज के लिए नहीं, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। अगर आपका कोई सवाल है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, उन सवाल का मैं जवाब जरूर दूंगा। थैंक यू।